अगर आपका वर्कआउट 60 मिनट से ज्यादा का है या फिर वर्कआउट कंप्लीट होने से पहले ही आपको वीकनेस फील होने लग जाती है, तब आपकी बॉडी को जरूरत है इंट्रा वर्कआउट न्यूट्रिशन की। इससे आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स पीक के ऊपर रहेंगे, आपके वर्कआउट के अंदर बूस्ट आएगा और इतना ही नहीं आपकी वर्कआउट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, सबसे इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 बेस्ट इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक्स जो आपके वर्कआउट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। और इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर में मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लें 3 नेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं देता हूं हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। तो हमारी फर्स्ट इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक है लेमोनेड। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी से पसीने के साथ साथ बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भी निकल जाते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, जिसके वजह से हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं और हमारे मसल रिकवरी में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा लेमोनेड यानी नींबू पानी। इसमें जो नींबू है वो हमारी बॉडी को विटामिन सी एंड फॉस्फोरस प्रोवाइड कराएगा, जिससे हमारी बॉडी बहुत एनहेंस हो जाएगी और हमारी मसल रिकवरी पहले से बेटर एंड फास्टर होने लग जाएगी। सेकेंडली, इसके अंदर जो हम नमक का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे उससे हमारी बॉडी को काफ़ी सारे मिनरल्स मिलेंगे, जिससे हमारी इलेक्ट्रोलाइट लेवल वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा और आपकी जो वीकनेस थी वो दूर हो जाएगी। तो जान लो इसे प्रिपेयर कैसे करना है। हमें एक गिलास पानी के अंदर एक पूरा नींबू डालना है नॉर्मल साइज का, और इसमें नमक दो तरह के डालेंगे। पहला है रॉक सॉल्ट मतलब सेंधा नमक, इसकी 2 चुटकी गिरेगी और इसमें 1 चुटकी डलेगा काला नमक। तो हमारा इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक का सेकेंड ऑप्शन आ जाता है हनी वाटर। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी का बहुत सारा ग्लाइकोजन स्टोरेज बर्नअप हो जाता है और हमारी मसल्स में पेन एंड सोरनेस आ जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट लिफ्टिंग। तो इस सिचुएशन में हनी वाटर इज द बेस्ट इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक। नाउ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, शहद में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है वो आपके मसल्स के सोरनेस को कम करती है, आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्लाइकोजन स्टोरेज बर्न हो जाता है वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान उसे रिफिल करती है और आपके वर्कआउट की ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। तो जान लो हनी वाटर प्रिपेयर कैसे करना है। आपको एक गिलास पानी के अंदर 2 टीस्पून शहद मिला लेना है। तो हमारे इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक का थर्ड ऑप्शन है ग्लूकॉन डी। वर्कआउट करते समय जब बॉडी के अंदर पसीना निकलने से डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमारी मसल में स्टिफनेस आ जाती है, जिससे चाहे आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर रनिंग जैसी एंड्यूरेंस स्पोर्ट्स कर रहे हो, ग्लूकॉन डी लेने से आपकी बॉडी को हाइड्रेशन मिलेगा, मसल में जो स्टिफनेस है वो दूर होके मसल्स की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी वर्कआउट का ड्यूरेशन इंक्रीज होता है इससे। तो ग्लूकॉन डी को खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर फुल बॉडी वर्कआउट की प्लेलिस्ट चल रही है, आप इसे देख के अपने वर्कआउट को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और मेक श्योर अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है फिटनेस रिलेटेड तो कॉमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।